अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह पाक के फजलो करम से हैरियत से होंगे। इस वक्त हम बेगोवाला गोट फार्म ज़िला सियालकोट वहां पर मौजूद हैं। माशाल्लाह यहां पर कुर्बानी के लिए राजनपुरी, अबलक, मक्खीचीना नस्ल के बकरे, इसके अलावा छतरे भी मौजूद हैं। तो इस फार्म के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इनके मतलब तफसीलात भी लेते हैं और उनका राबता नंबर भी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चीमा साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। सर जी अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले नाज़रीन को अपना और अपने इलाके का तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम उमैर फयाज चीमा है, ठीक है। गाँव हमारा बेगोवाला, तहसील समनाल, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। चीमा साहब नाज़रीन को अपना मोबाइल नंबर भी बता दें। 0342-043-0444। इस पे व्हाट्सएप भी है? जी इस पे व्हाट्सएप भी है। अच्छा, इस वक्त आपके फार्म पे टोटल कितने बकरे फार सेल हैं? ये 44 बकरे जो है ना वो फार सेल हैं जी। हमारे पास 70 बकरे थे जिसमें से हमने सेल किए हैं, बाकी के 44 बकरे हमारे पास रह गए हैं जी। जी तो ये सेल करने के लिए अभी। ठीक है, माशाल्लाह। तो दोस्तों को सर बताएं कि इनकी कम से कम कितनी कीमत है और ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत है? ज्यादा से ज्यादा जो कीमत वाला हमारे पास है वो राजनपुरी है जी। उसकी कीमत है 65,000 रुपया, ठीक है। अबलक नस्ल है उसकी 60,000 रुपया है। राजनपुरी जो है इसमें जो छोटे हैं उनकी 50 है, इनकी 40 है जी। और वो मखीचीने जो है उनकी 35 है, किसी की 40 है, इस तरह मुख्तलिफ जो है ना। ठीक है, यानी कि कम से कम 35 से लेके 65 हज़ार तक आपके पास? 35 से लेके 65 हज़ार तक हमारे पास। ठीक है सर, यहाँ आने का मकसद यही है कि जो दोस्त जानवर लेना चाहते हैं उनको मंडी की निस्बत ना जानवर सस्ते मिले। मंडी की निस्बत हम वैसे भी जानवर जो ना सस्ते दे रहे हैं, हमारा फर्स्ट टाइम है जी। ठीक है, हम फर्स्ट टाइम जानवर लेके आए हैं जी। जी कुछ हमारा शौक भी है जी। जी तो इसलिए हम इधर दोस्त ही आते हैं ज्यादा जी। जी इलाके के लोग हैं, ज्यादा वाकफियत ही है जी। जी तो उनके साथ पूरा प्यार मोहब्बत होता है इंशाल्लाह। सर नाज़रीन को कुछ जानवर दिखाएं, उन्हें पता चले कि क्या क्वालिटी है उनकी, क्या प्राइस है। माशाल्लाह जी ये सामने देख लें, खूबसूरत ये जानवर है, खूबसूरती इसकी चेक करें, इसकी हाइट, इसके कान वगैरह माशाल्लाह। भाई इसका चेहरा इस तरफ करें, माशाल्लाह जी ये देख लें जी, प्यारा जानवर है, नकोड़े वाला जानवर है माशाल्लाह। तो ये कितने दांत है? दो दांत है, चेक करें भाई। दोस्तों ये देख लें, दो दांत ये बकरा है। नस्ल इसकी अबलक है जी। अबलक माशाल्लाह जी, अबलक नस्ल है, दो दांत ये बकरा है माशाल्लाह। ये तसल्ली करें जी। तो इसका वजन कितना होगा चीमा साहब? इसका वजन कम से कम 70 से 75 किलो है। 70 से 75 किलो जिंदा जी? जिंदा का। ठीक है, 70 से 75 kg इसका लाइव वेट है, अबलक इसकी नस्ल है। भाई इसे थोड़ा आगे लेके चले दोस्त, तसल्ली करें। माशाल्लाह जी अबलक नस्ल, दो दांत ये बकरा, उस साइड पे लेके चलें भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह जी ये देखें, खूबसूरत जानवर है। तो चीमा साहब इसकी प्राइस? इसकी प्राइस जो है ना वो 65,000। 65,000 जी फाइनल है या कि कोई प्यार मोहब्बत होगा? प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा जी, बेहतर हो गया माशाल्लाह। अभी ये देखें जी, राजनपुरी नस्ल का ये बकरा है माशाल्लाह, खूबसूरत ये जानवर है। राजनपुरी अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस है, फुल वाइट इसका कलर है माशाल्लाह। इसके कान, इसका नकोड़ा चेक करें, आंखें इसकी चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरत ये जानवर है जी माशाल्लाह जी। भाई थोड़ा इसे इस तरफ लेके चले, माशाल्लाह जी ये दोस्तों तसल्ली करें, राजनपुरी नस्ल है। तो ये भी दो दांत है? ये भी दो दांत। ठीक है जी भाई, ले आए इसे। तो इसका वजन कितना होगा? इसका वजन जो है इसका भी जो है ना 75 किलो होगा इसका भी। 75 kg लाइव? ठीक है माशाल्लाह जी, 75 kg इसका वजन होगा माशाल्लाह। भाई इस तरफ करें। तो इसका सर जो रेट है प्यार मोहब्बत वाला? क्या प्यार मोहब्बत वाला जो है ना 70,000। 70,000 इसका रेट है, प्यार मोहब्बत कर लेंगे जी? नहीं इसका फाइनल है। इसका फाइनल 70 जी। अच्छा यानी इसका फाइनल है 70,000। माशाल्लाह दोस्तों ये देखें जी, मक्खी चीना नस्ल है इनकी। ये बकरे भी आप देख लें, इनका रेट भी मालूम कर लेते हैं। माशाल्लाह जी जानवर जितने भी इस फार्म पर मौजूद हैं सब प्यारे हैं, सेहतमंद हैं, 3-4 नस्ल के जानवर हैं। अच्छा चीमा साहब ये जो सामने मक्खी चीना है, ये लाइट मक्खी चीना है जी? लाइट मक्खी चीना कहते हैं। अच्छा तो दो दांत है ये भी? ये भी दो दांत है भाई, चेक कराएं।
इधर कर। ये देखें जी, लाइट मक्खी चिनाई से बोलते हैं, दो दांत है ये। ठीक है भाई, तो इसका वजन कितना होगा? इसका वजन जो है ना वो 50 kg है। 50 kg लाइव जी। तो इसकी कीमत? इसकी कीमत जो है ना वो 40,000। 40,000 फाइनल है, क्योंकि प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, इसे थोड़ा आगे लेके चले दोस्त, जरा तसल्ली करें। माशाल्लाह जी, लाइट मक्खी चीना है, खूबसूरत ये जानवर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कदबुत इसका देखें जी भाई। इधर लेके आए हैं, इधर माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ठीक है। तो ये सर जो है, ये भी मक्खी चीना है जी? ये भी मक्खी चीना है। माशाल्लाह जी, दोस्तों ये भी देख लें, ये भी मक्खी चीना है। तो ये भी दो दांत है जी? दो दांत। सारे जानवर दो दांत ही हैं? सारे जानवर दो जी। भाई चेक कराएं। ठीक है, तो इसका वजन कितना होगा? इसका वजन जो है ना वो 40 kg है। 40 kg। और कीमत इसकी? कीमत इसकी जो है ना वो 38,000। ठीक है, 38,000 इसकी प्राइस है। वजन इसका 40 kg जी। ठीक है माशाल्लाह जी। भाई इस तरफ लेके चलें दोस्त, ज़रा तसल्ली करें। माशाल्लाह जी, इनकी खूबसूरती, इनका जो जिसामत है, कद वगैरह, इनकी सेहत देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यहाँ जो बकरियाँ हैं वो मौजूद हैं, इनकी कम से कम जो प्राइस है वो 35,000 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 है सर, 70,000 है, मैक्सिमम 70,000 है। जो राजनपुरी है उनकी कीमत ज़रा ज़्यादा है, और अबलग की, और जो मक्खी चीनी है उनकी प्राइस से थोड़ी कम है। ठीक है माशाल्लाह जी। जो दोस्त किसी भी रेंज में बकरा लेना चाहते हैं, उमैर चीमा साहब का नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। मज़ीद इनसे किसी भी बकरे की तस्वीर, वीडियो वगैरह आप हासिल कर सकते हैं, और इनसे डील कर सकते हैं जानवरों की। चीमा साहब, देखने वालों के लिए कोई और पैगाम, कोई मैसेज? जी, देखने वालों के लिए यही पैगाम है कि वो हमारे पास आएँ जी। जी ठीक है, हम उनको बहुत अच्छा तामन करेंगे उनके साथ जी। जी ठीक है, उनको मुनासिब रेट पे जो है ना अच्छे जानवर देंगे जी। जी हमारे पास जानवर जो भी हैं सब अच्छे जानवर हैं जी। जी नस्ल के जानवर हमने रखे हुए हैं, राजनपुरी हैं, वो भी एक ब्रांड है ठीक है, मक्खी चीने हैं, वो भी एक बहुत अच्छी नस्ल है जी। जी ठीक है, हमारे पास 12 जानवर हैं, गोश्त वाले जानवर हैं, अच्छे जानवर हैं जी। जी है, हमारे पास चौके छिगे नहीं है, हमारे पास सब दोंदे जानवर हैं जी। जी दो दांत हैं, दो दांत हैं कि बिल्कुल जो है ना वो जवानी में जानवर जो है ना जी। जी दो दांत है बिल्कुल जी। जी किसी का भी जो है ना वो चौका या छिगा नहीं है, चार दांत किसी के भी नहीं है ठीक है। और सर आपकी जो सबसे बड़ी बात है, जो हॉबी है, वो ये देखी है कि आप अपने जानवरों के लिए जो वंडा है ना वो खुद तैयार कर रहे हैं, खुद आपने यहाँ मशीन लगाई है, इनको जो देसी खुराक है उस पर तैयार कर रहे हैं। हम अपना वंडा तैयार कर रहे हैं ठीक है, अपनी खुराक हम इसको दे रहे हैं, मकई चना ठीक है, सूड़ी, उसके बाद जो है गंदम का दलिया जी ठीक है, उसके बाद खाल है, बिनौला खाल है, वो दे रहे हैं उसमें तूड़ी में मिक्स करके ना उसको दे रहे हैं ठीक है। सुबह टाइम जो है ना वो सुबह भी देते हैं, सुबह 8 बजे उससे शाम 8 बजे ठीक है, सुबह भी हम वंडा देते हैं, शाम को भी वंडा देते हैं। 12 बजे के बाद जो है हम इनको चारा डालते हैं, उसमें जो है ना वो लूसन डालते हैं और जो है ना जंतर डालते हैं ठीक है माशाल्लाह। यानी कि टोटल आप जो देसी खुराक है उस पर इनको तैयार कर रहे हैं जी, फीड वगैरह से आप जितना भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम फीड वगैरह बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं जी। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, आपने जो अच्छे जानवर हैं वो दिखाए हैं। अल्लाह हाफिज़। I'm going to get it.